जय गुरुदेव। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप बच्चों? आज टीचर आपको हिंदी व्यंजन में अक्षर झ, झ से झंडा, झ से झंडा। तो अभी टीचर आपको बताएंगे झ से झंडा कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। फिर हम क्या करेंगे, ई से इमली। टीचर ने आपको ई से इमली सिखाया है ना कैसे लिखते हैं, बस उसी तरह ई से इमली की तरह लिखना है आपको, ई से इमली। फिर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन देनी है, फिर एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। ये बना झ से झंडा, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर ई की तरह लिखनी है, फिर एक स्लिपिंग लाइन, मिडिल वाली ब्लू लाइन में एक स्लिपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, फिर ऊपर एक स्लिपिंग लाइन। झ से झंडा, एक स्टैंडिंग लाइन, फिर ई की तरह लिखनी है, फिर एक स्लिपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, फिर ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। ये बना झ से झंडा। बच्चों अभी आपको वर्ण अभ्यास बुक निकालनी है, वर्ण अभ्यास पेज नंबर 2525। झ से झंडा, झ से झरना। अभी टीचर बताएंगे कैसे लिखते हैं। पहले एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर ई की तरह लिखनी है, फिर एक स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन। ये बना झ से झंडा। कहाँ से शुरू करेंगे हम, ब्लू लाइन से। एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर ई से इमली की तरह लिखनी है, फिर ब्लू लाइन में एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन हम खींचेंगे और स्टैंडिंग लाइन और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन ई से इमली की तरह लिखेंगे, फिर एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक और स्लीपिंग लाइन। ये क्या बना, झ से झंडा। इस तरह बच्चों जैसे टीचर ने आपको बताया है वैसे ही आपको लिखना है। तो आपको वर्ण अभ्यास पेज नंबर 25, झ से झरना, झ से झंडा।